दोस्तों, क्या आपका वायरलेस माउस या फिर आपके लैपटॉप का ट्रैकपैड वर्क नहीं कर रहा है और आप चाहते हो कि आपका मोबाइल बन जाए एक वायरलेस माउस, तो आप आए हो बिल्कुल सही जगह पर। दोस्तों, मैं हूं शिवम, आप देख रहे हो टेक्नोब्लॉग जीनियस। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में सर्च करना है प्ले स्टोर पर जाकर यूनिफाइड रिमोट नाम का एक एप्लीकेशन। आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन कीजिए, स्किप दिस स्टेप पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको इधर सर्वर इंस्टॉल करने हैं, उसके लिए आपको लैपटॉप पर जाना होगा। फिलहाल के लिए मैं इसको स्किप लेटर कर देता हूँ और अब चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। इस लैपटॉप पर आने के बाद आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और आपको इधर सर्च करना है यूनिफाइड रिमोट। आपको यूनिफाइड रिमोट की इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको इधर क्लिक करना है डाउनलोड पर एंड इंस्टॉल लेटेस्ट सर्वर। ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोड करने के बाद इसको रन कर दीजिए। इधर आई एग्री पर क्लिक कीजिए, नेक्स्ट, इधर भी यस कर दीजिए। और जो जो स्टेप मैंने इस वीडियो में दिखाया है दोस्तों, आप इसी स्टेप को फॉलो कीजिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इधर इनेबल जॉयस्टिक एनिमेशन सिमुलेशन, इन सभी ऑप्शन को आप टिक रहने दीजिए। उसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए। ये कुछ ही देर में इंस्टॉल हो जाएगा। और दोस्तों, याद रखिए कि आपका मोबाइल और लैपटॉप या कंप्यूटर है, दोनों एक ही वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होने चाहिए, तभी ये वर्क करेगा। ये मेरा इंस्टॉल हो चुका है यूनिफाइड रिमोट। तो अभी चलते हैं हम अपने मोबाइल पर। मोबाइल पर आपको इधर थ्री बार्स पर क्लिक करना है, इधर आपको सर्वर्स पर क्लिक करना है और आपको अपने लैपटॉप या पीसी का नाम दिख ही जाएगा। सिंपली एक क्लिक से ही ये कनेक्ट हो जाता है। और दोस्तों, इस ऐप में आप देख सकते हैं इधर ढेर सारे ऑप्शंस हैं, पर अभी आपको काम है केवल माउस से, तो आपको सिंपली बेसिक इनपुट पर क्लिक करना है। और भी आप देख सकते हैं पावर वगैरह के ऑप्शन भी हैं, आप सारे के सारे ट्राई कर सकते हैं। तो अभी आ गए हम बेसिक इनपुट पर और देखिए, जैसे ही मैं अपने मोबाइल पर कर रहा हूँ, ये हमारे लैपटॉप में भी वर्क कर रहा है। अब देखिए, अब मैं जैसे ही इसको अपने डिस्क पीसी पर ले जाता हूँ, ये डिस्क पीसी पर भी आ गया, फिर नीचे विंडोज मेन्यू पर भी आ गया, सब जगह वर्क कर रहा है फ्रेंड्स ये। और देखिए, दिस पीसी मैंने ओपन किया तो दिस पीसी भी ओपन हो गया मेरा। और ये जो भी प्रोसेस है, मैं अपने इसी ट्रैकपैड से कर रहा हूँ, जो कि मेरा मोबाइल बन चुका है एक तरीके से। और राइट क्लिक करने के लिए आपको बस डबल टच करना है। और आपको मैं बता दूँ, इसमें आप अपने लैपटॉप का फाइल मैनेजर भी ओपन कर सकते हैं, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। ये मैंने सी ड्राइव खोल ली थी अपनी, और आपको पावर ऑप्शंस दिख ही जाएंगे, आप पावर कंट्रोल भी कर सकते हैं। और भी यहाँ पे अगर आप कीबोर्ड बनाना चाहें तो कीबोर्ड भी बना सकते हैं। और भी अगर एडिशनल फीचर चाहिए, उसके लिए आपको प्रीमियम अपग्रेड करना पड़ेगा। दोस्तों, आज की वीडियो बस इतनी ही सी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back.